सो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, अभी निकलते हैं चिकड़पिल्ली के लिए। चिकड़पिल्ली हैदराबाद में एक चिकड़पिल्ली बोल के प्लेस है जहाँ पे कैमरास पूरे रिपेयर होते हैं, कैमरा के एक्सेसरीज मिलते हैं, ए टू जेड लाइटिंग वीटिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको चिकड़पिल्ली में। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि चिकड़पिल्ली क्यों जा रहे हैं। चिकड़पिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि क्योंकि जो मेरा पुराना कैमरा था 600D, उसमें उसको सर्विस कराना है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज़ माय ओल्ड कैमरा, दिस इज़ कैनन 600D। तो इसको सर्विस कराना है और ये मेरा निशन का फ्लैश है, तो ये है, तो इसको भी सर्विस कराना है। तो अभी अकेले जाना बोले तो थोड़ा मुश्किल है, तो अपने बंधु को कॉल करते हैं, कौशिक को कॉल करते हैं और देखते हैं कि भाई साहब कहाँ हैं। सैटरडे है तो कहाँ हैं, देखते हैं। कबुल कैन, दिस इज़ माय निफ्टी 50mm लेंस है, ये भी थोड़ा सतारा, तो इसको भी सर्विस कराना है, कराएंगे इसको भी सर्विस। और पहले अभी कौशिक को कॉल करते हैं, कुकू को, देखते हैं कि भाई साहब कहाँ पे हैं। हे सीरी, कॉल शर्मा। डिड यू मीन वन ऑफ दीज? यस, कॉलिंग नाउ। कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। नहीं उठा रहा बट्टा, एक और बार करके देखेंगे। हेलो, हाँ जपरा, एकड़ ना रहना विजयवाड़ा रहा। हाँ हाँ, विजयवाड़ा इल्ला वीडो। तो ये था भाई, कौशिक भी नहीं है यहाँ पे, कौशिक विजयवाड़ा में है, तो मेरे को अकेले ही जाना पड़ता अभी। तो इसके लिए मैं हिमालयन नहीं निकालूंगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है अभी, तो एक्टिवा निकालेंगे अपने। चलो चलते हैं। तो चलो भाई, आज हम अपने हिमालयन को नहीं लेके जा रहे हैं, तो हिमालयन को सर्विस देना है, फोर्थ सर्विस, तो इसको आज हम नहीं लेके जा रहे हैं। और ये रहा अपना कैमरा जो सर्विस को देना है। तो आज हम अपने छोटी सी गाड़ी को निकालेंगे जो ट्रैफिक में बेटर है। सो ये रही हमारी एक्टिवा, धूल से भरी हुई। तो पहले, अरे यार इसमें हेलमेट है, हाफ फेस हेलमेट है मेरा ये, तो इसको बाहर रख लेंगे, इसको अंदर रखेंगे। अरे यार, चलो थोड़ा पोछा मार देंगे पहले इसको। चलो भाई, स्टार्ट हो गई हमारी नन्ही सी परी। तो चलते हैं, 4:10 हो चुके हैं टाइम। यहाँ पे ऑफ रोडिंग रहता भाई 365 days। एक्चुअली रोड सैंक्शन हो चुका है ये, लेकिन कब डालते हैं भगवान को मालूम। अरे 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 अरे, हिमालयन पे आए तो समझ में नहीं आता इसमें, अरे गड्ढा महसूस हो रहा। चलो, सोचा था कि कौशिक आएगा, कुकू भाई आएंगे, लेकिन कुकू भाई तो विजयवाड़ा में बैठे हुए हैं, तो मेरे को ही जाना पड़ रहा है। बहुत दिन से पेंडिंग हो रहा है ये काम 600D का, उसको सर्विस को देना था एक्चुअली, उसको दिया मैं, बहुत दिन से पेंडिंग है, वैसे ही पड़ा हुआ है वो, तो आज किसी भी हालत में देना ही था। कैसा भी पेट्रोल है, हाँ चले जाता, रिटर्न में दला ले सकते हैं। एक्टिवा को भी वॉशिंग को देना है। सो चिकड़पिल्ली हमारे हैदराबाद का बोरा बाज़ार है समझो, मुंबई में जैसा बोरा बाज़ार है जो कैमरा के एक्सेसरीज वगैरह ये सब मिलते हैं, वैसा चिकड़पिल्ली और कोटी दो है जहाँ पे आपको कैमरा बैग हो गया या एक्सेसरीज हो गए, स्ट्रोप्स हो गए, लाइटिंग हो गया, सर्विस कराना है, रिपेयर कराना है, सब कुछ मिल जाता। थोड़े शॉप्स चिकड़पिल्ली में है, थोड़े शॉप्स कोटी में है, लेकिन भरार ए टू जेड सब मिल जाता।
और मेरे को हिमालयन का हैंडल भी चेंज कराना है। मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हेलमेट देखा है, ज़बरदस्त है एकदम। कल देख रहा था तो आउट ऑफ स्टॉक कुछ था, दो दिन पहले देखा जब भी, फिर एक बार चेक करता हूँ, चेक करके मिला तो ऑर्डर कर देता हूँ। और क्या बोलते, रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल हैंड गार्ड्स भी देखा था, और वो रिलीज़ होके 7-8 महीने हो गए लेकिन मेरे को मालूम नहीं चला। तो ऐसे ही देख रहा था, मैं देख रहा था तो वेब ब्राउजिंग कर रहा था तो दिखने में आया कि ओरिजिनल हैंड गार्ड्स आ चुके हैं बोल के। तो रॉयल इनफील्ड वालों ने भी नहीं बताया मेरे को, तो वो भी फिट करवाना है किसी भी हालत में। जब सर्विसिंग को जाएंगे तब सब फिट करवाएंगे, अगर स्टॉक में है तो। अगर हो सका तो गिटअप को भी दिखाता हूँ अभी चिकड़बली में, अगर वो लगा कर सकते कुछ, क्योंकि इन्हें रुक जा रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम छोटा है, वो भी मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर का है, एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखता हूँ मैं, करना है। मैं करा नहीं इसका ऑलमोस्ट 1 साल हो गया शायद मैंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करे हुए, तो एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, करने के बाद देखेंगे। अगर प्रॉब्लम वैसी है तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आ रहा बोले तो क्विक रिकॉर्ड बटन ऑन करते ही रिकॉर्डिंग होते समय रेड लाइट रहता, वो ब्लिंक होते रहता, दिखा दूँ मैं आपको। अरे भाई ये जो रेड लाइट दिख रहा आपको, वो ब्लिंक हो रहा, देखो जैसा ब्लिंक हो रहा बोले तो रिकॉर्डिंग चालू है जैसा, लेकिन क्या हो रहा बोले तो ये रुक जा रहा, स्टक हो जा रहा वहाँ रेड पे ही, वैसे ही रुक जा रहा, और फुटेजेस कुछ भी नहीं आ रहे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो हार्डवेयर इशू है या सॉफ्टवेयर इशू है, नहीं मालूम। तो आज रात में एक बार इसको अपडेट करके देखता हूँ, अगर हुआ तो वेल एंड गुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। होना चाहिए यार, फिर से कैमरा ख़रीदना बोले तो जान पे आ जाता समझो, 10-12 हज़ार रुपये फिर से लगाना बोले तो बहुत मुश्किल है। देखेंगे कैसा होता। अभी यहाँ से चिक्कड़बिल्ली पहुँचने में नहीं नहीं बोले तो भी 40-50 मिनट लग जाते, एक घंटा पकड़ के चलो। अगर ट्रैफिक नहीं है तो जल्दी जा सकते, अगर ट्रैफिक है तो एक घंटा क्या 1.5 घंटा पकड़ के चलो। रोडों के तो माँ बहन कर दिए गवर्नमेंट ऑफिशल्स, ये बोल के वो बोल के पूरे लगा दिए हेल रोडों के। इतना अच्छा रोड रहता था मालूम है, ज़बरदस्त स्पेशियस रहता था, एक टाइम पे ट्रैफिक भी नहीं मिलता था यहाँ पे, इतना खाली रहता था रोड। अभी देखो हालत क्या कर दी है रोड का, कब कंप्लीट होता क्या है कि ये ब्रिज बांध रहे हैं रिंग रोड से लेके मेरे ख्याल से मेड़पेली तक या नारापेली तक कुछ जाता है। रुकना भाई, तो भाई नहीं बहन, ये देखो स्पेशियस रोड को, काम जल्दी कर रहे भी नहीं कुछ भी नहीं, खाली रोड की माँ बहन करके छोड़ दे रहे खाली। ये है अपना उपल रिंग रोड। तो पहले ऐसा सीधा चले जाते थे मेट्रो आने से पहले, सीधा उस साइड निकल जाते थे, अभी ये मेट्रो आने के बाद आगे जाके यू टर्न कर लेके आना पड़ रहा भाई। ट्रैफिक भी घट रहता है यहाँ पे। तो ये पूरा जाके आगे से यू टर्न कर लेके जाके फिर लेफ्ट लेके जाना पड़ता। तो अभी कैसा जाएंगे डिसाइड करना है, आरटीसी क्रॉस रोड पे से जाएंगे या रामतपुर पे से जाएंगे। भाई कैसे जाएंगे, चल रामतपुर पे से जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट लिए तो चलो भाई आगे उपल कोटी के रोड में। यहाँ से सीधा चले गए तो कहाँ लेफ्ट गिफ्ट राइट नहीं लिए तो सीधा कोटी पहुँच जाते, 7-8 किलोमीटर है यहाँ से कोटी। तो बरार हमें आज कोटी नहीं जाना है, लेकिन हमें जाना है चिक्कड़बिल्ली। और मेरे को कैमरा बैग भी लेना है भाई, लो प्रो का प्रोटेक्टिव
450 मार्क टू, तो देखना वो अवेलेबल है नहीं है। अमेजोन पे उसका प्राइस कुछ अराउंड 13,000 रुपये बता रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोकल मार्केट में थोड़ा बहुत कम हो। कहाँ तक कम होता वहाँ गए तो ही मालूम पड़ता। मैंने कॉल भी किया था एक स्टोर को, कोटी में है वो, नाम बराबर याद नहीं है मेरे को उसका, तो अवेलेबल है उसके पास लोप्रो प्रोटेक्टिक 450 मार्क टू, लेकिन प्राइस बताओ बोले तो घंटा भी नहीं बताता हूँ। स्टोर को आओ, आके पता कर लो के बोला उन्हें, तो चलते हैं, पर जल्दी जल्दी चलते हैं और देखते हैं 425। अरे 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 कि आज क्या क्या काम हो सकते हैं। कैमरा का तो काम हो जाना भाई आज, कैसा भी दे देना ही है कैसा भी सर्विस को। सो फिलहाल हम नज़दीक 6 नंबर के पास है अभी। सो यहाँ से सीधा निकले तो कोटी, राइट मारे तो फीवर हॉस्पिटल, तिलक नगर, हिमायत नगर, बरकतपुरा, ये सब निकलते हैं। तो अभी हमारे को यहाँ से राइट लेना है। तो लो हम पहुँच गए बरकतपुरा चौरस्ता। सो अभी यहाँ से बरकतपुरा चौरस्ता से सीधा जाके फ्लाईओवर नहीं चढ़ना है, फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है। चलो सिग्नल भी मिल गया तो अभी राइट लेते हैं। राइट लेके लेफ्ट लेते कि अपन चिकड़पल्ली पहुंच जाते। इसकी माँ का पार्कर क्रम पोपड़ बन गया, पार्क पार करके रखे सो है वो, एक्चुअली कोई भी नहीं है उसके अंदर। मैं सोच रहा था कि ट्रैफिक में ठहरे से बोल के सोच रहा था मैं। तो यहाँ आगे से अपन लेफ्ट लेते ही पहुँच जाते चिकड़पल्ली, ऑलमोस्ट पहुँच गए। तो अपने को महावीर एम्पोरियम के ऑपोजिट एक शॉप रहता, उसमें जाना है। सो यहाँ से चालू चिकड़पल्ली, तो यहाँ से आपको स्टोर्स दिखते रहते हैं कैमरा के। अपने को ये लेफ्ट लेना है यार, आगे आ गया। ये मेट्रो के वजह से पूरा कंफ्यूजन हो जाता। सो यहाँ पे पूरे कैमरा के एक्सेसरीज और सर्विस सब मिल जाता। सो ये लेंगे अंदर, गाड़ी पार्क कर लेके आएंगे। पार्क करेंगे भाई, यहाँ पे पार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे है पूरे शॉप्स। शॉप बंद है शायद, वो जो शॉप मेरे को चाहिए था वो शायद से बंद है। फ्लैश रिपेयर ही अच्छे तुमने मैडम। सो देयर इज एन इशू विथ माय निशान्स फ्लैश लाइट, देयर इज एन इशू विद द बोर्ड एक्चुअली। सो एक घंटा टाइम लगता है कहते रिपेयर होने में, और 800 रुपये लग गए। अभी कुछ नहीं कर सकते, होना बोले तो लगाना पड़ता। सो फिलहाल अभी यहाँ से निरंजन कैमरा चलते हैं रिपेयर के लिए। एक्चुअली जो अंकल रहते थे, जो बुज़ुर्ग इंसान थे, वो अभी यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं कोटी के लिए। सो अभी यहाँ पे जब स्ट्रोब दिया था मैंने,
तो आंटी ने बताया था कि कराची बेकरी के पास निरंजन सर्विस कैमरा रिपेयर बोल के है, वो सबसे बेस्ट है और गूगल पे रेटिंग भी उनका आराम से 4.5 है। तो चलते हैं उनके पास और दिखाते हैं। तो ये रहा ऊपर, ऊपर है निरंजन कैमरास। सर्विस को देना था 600 डे। सो भाई डन विद द कैमरा, वर कैमरा तो दे दिया है सर्विस के लिए। तो एक्चुअली इशू क्या है बोले तो अभी वो भी बता नहीं सकते अंटिल एंड अनलेस खोले। जब तक जो शटर बटन है क्लिक करने के बाद स्विच रहता, 99% वो स्विच खराब हो सकता है बोल के बोल रहे हैं, लेकिन इशू और कुछ भी हो सकता है। अगर वो स्विच का इशू है तो 1500 रुपये, नहीं तो खोलने के बाद प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के बाद कितना होता बोल के बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 घंटा लगता बोल के बोले कैमरा होने में, तो मालूम पड़ने में। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बोले तो 6:30 7:30 पहले चलते हैं और फ्लैश का देखेंगे कहाँ तक हुआ। सो डन विद द शॉपिंग भाई, कैमरा बैग ले लिया और 2 वीडियो लाइट्स ले लिया सिंपेक्स के, जो बहुत काम में आते मेरे को। तो भाई अभी सीधा चलते हैं कैमरा के पास, उसका कहां तक हुआ देखना है। तो चलो निकलते हैं। डन विद दिस सर्विस, वही गया था जो अपना शटर का जो स्विच रहता वो ख़राब हो गया था, तो उसको रिप्लेस कर दिए, 1500 रुपये का बोक्का हो गया। तो आज अच्छा ही हुआ। तो धनाधन निकलते हैं और चलते हैं घर को। गिटअप में बैटरी भी ज़्यादा नहीं है अभी, बैग में डालना कैसा डालना देख तो मैं, देख के थोड़ा आगे चल के कर तो मैं अगर बैटरी है तो। लेंस सर्विस हो चुका है, कैमरा सर्विस हो चुका है, जो जो आज का काम था सब हो गया है। तो अभी सीधा घर पे चलो। देन आई एंड दिस व्लॉग ओवर हियर। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा 7:30 हो चुके हैं, 1000 करते हैं जल्दी, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करो और बेल। अंटिल देन कीप राइडिंग, डू वेयर योर हेलमेट एंड राइड सेफ।